चार साल पहले मेरे जैसे छोटे से आदमी को इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया, मेरे जैसे छोटे से आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। आज से छह साल पहले तक इस देश में केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को कोई नहीं जानता था, छोटे से लोग थे हम। झुग्गियों में, दिल्ली की झुग्गियों में काम किया करते थे, झुग्गियों में एनजीओ में काम किया करते थे हम लोग। जैसा भी मनीष जी ने बताया, लोगों को राशन दिलाने का, उनके स्कूल का, अस्पताल का, ये काम हम दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में किया करते थे। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, एक नई नई पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी बनी, और चार साल पहले आप लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी हमको। दिल्ली वालों का ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते, अपनी जान देके भी हम दिल्ली वालों का ये एहसान नहीं उतार सकते। रात दिन 24 घंटे हम यही सोचते हैं कि हम क्या क्या काम करें और क्या काम करें और क्या काम करें अपने दिल्ली के लोगों के लिए, कि जो विश्वास उन्होंने किया वो विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए, कभी वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। इसलिए चार साल में इतने काम कर दिए, इतने काम कर दिए। पिछले 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस वालों ने मिलकर दिल्ली में इतने काम नहीं करे होंगे जितने चार साल में आपकी अपनी पार्टी ने दिल्ली के अंदर काम कर दिया। अभी मनीष जी बता रहे थे, मनीष जी आपके शिक्षा मंत्री हैं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हाथ खड़े करके बताना, दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हुए नहीं हुए? बच्चे भी कह रहे हैं हुए, बच्चों को ज्यादा पता है, ये पढ़ते हैं वहीं पे। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, दिल्ली के सरकारी अस्पताल अच्छे हुए नहीं हुए? दिल्ली में दो किस्म के सरकारी अस्पताल हैं जी, एक मोदी जी के अस्पताल हैं और एक आपकी अपनी सरकार के अस्पताल हैं। अब कैसे पता चले मोदी जी का कौन सा है, अपना कौन सा है? अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में जाओ और अस्पताल में दवाइयों के पैसे लगे, इलाज के पैसे लगे, टेस्ट के पैसे लगे, तो समझ जाना मोदी जी का अस्पताल है। और अगर आप किसी अस्पताल में जाओ और सब कुछ फ्री हो, वहां पे दवाइयां भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, इलाज भी मुफ्त, ऑपरेशन भी मुफ्त, तो समझ जाना आपका अपना अस्पताल है, आम आदमी पार्टी की सरकार का अस्पताल है। ये फर्क है, ये भाजपा में और आम आदमी पार्टी। जैसे ऑल इंडिया मेडिकल है, मोदी जी का अस्पताल है, सफदरजंग है, मोदी जी का अस्पताल है, रामन और लोहिया मोदी, वहां पैसे लगते हैं, गरीबों के भी पैसे लगते हैं, ये तो गलत बात है, गरीबों से तो पैसे नहीं लेने चाहिए, गरीबों के भी पैसे लगते हैं। और जैसे अपना जीटीबी अस्पताल है, जीबी पंत है, एलएनजेपी है, ये आपका अस्पताल है, दिल्ली सरकार का अस्पताल है, एक भी पैसा नहीं लगता, सब कुछ मुफ्त है, सारा मुफ्त कर दिया। आज दिल्ली में आप लोगों को 200 यूनिट तक एक रुपए यूनिट बिजली मिल रही है, एक रुपए यूनिट दिल्ली दिल्ली में मिल रही है, पूरे देश में कहीं नहीं है। कहीं पे 7 रुपए यूनिट है, कहीं पे 10 रुपए यूनिट है, दिल्ली वालों की, आज गरीब लोगों की 200 यूनिट तक एक रुपए यूनिट मिल रही है। देश तो छोड़ो, मैं पूरी दुनिया के रेट देख रहा था बिजली के, जापान में क्या रेट है, अमेरिका में क्या रेट है, लंदन में क्या, भाई साहब पूरी दुनिया में सबसे सस्ती बिजली आप लोगों को कर दी पिछले 4 साल। पूरी दुनिया में 1 रुपए यूनिट कहीं नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर, चाहे गरीब से गरीब देश उठा लो, चाहे अमीर से अमीर देश उठा लो, पूरी दुनिया में आज सबसे सस्ती बिजली आप लोगों को मिल रही है। क्यों? आप लोगों ने एक ईमानदार सरकार चुनी थी 4 साल पहले। भाई साहब हमारे से पहले शीला दीक्षित जी थी, हर साल बिजली के रेट बढ़ाया करती थी, उन लोगों के बिजली कंपनियों से सेटिंग थी। मैं भी अगर सेटिंग कर लेता, आज 1 रुपए यूनिट है, मैं अगर 1.5 रुपए यूनिट कर दू ना, ये बिजली कंपनी वाले शाम तक मेरे को 500 करोड़ रुपए दे जाएंगे अगर मैं 1.5 रुपए यूनिट कर दूंगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब?